मेरे प्यारे हिंदी माध्यम के छात्रों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल फिजिक्स विथ ओमदेव में। आपको आज के वीडियो में मैं ये सिखाऊंगा कि किसी एक सदिश का दूसरे सदिश की दिशा में प्रक्षेप कैसे ज्ञात करते हैं। प्रक्षेप क्या होता है सर? बेटा, प्रक्षेप का मतलब परछाई कैसे ज्ञात करते हैं। एक सदिश की परछाई दूसरे सदिश की दिशा में ज्ञात करने की प्रक्रिया की हम ट्रिक सीखेंगे। वैसे तो एक प्रक्रिया है, लेकिन हम तो शॉर्टकट सीखेंगे क्योंकि IIT JEE मेंस में, नीट में ये काम आता है। आइए मिलकर देखते हैं क्या सवाल है। तो सबसे पहले ट्रिक है प्रक्षेप ज्ञात करना। एक सदिश दे हुआ है अपने को i कैप + 2j कैप + k कैप। इस सदिश का प्रक्षेप ज्ञात करना है, यानी इसकी परछाई ज्ञात करनी है। बी सदिश 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप की दिशा में ज्ञात करनी है। तो आइए मिलके ज्ञात करें। तो ट्रिक क्या है? जिसकी दिशा में परछाई निकालना चाहते हो, क्या बोला, जिसकी दिशा में परछाई निकालना चाहते हो उस सदिश का एकांक सदिश बना लो या एकाकी सदिश बना लो, और जिसका निकालना चाहते हो प्रक्षेप उसका गुणा कर दो। उसका कौन सा गुणा कर दो? डॉट गुणा कर दो। जैसे ही ये कर देंगे आपको प्रक्षेप मिल जाएगा। अरे वाह सर, ये तो बहुत शॉर्टकट है। आइए मिलके करते हैं कैसे। तो ए बी सदिश का पहले बनाते हैं क्या, एकाकी सदिश या एकांक सदिश। तो 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप और भाग दे देंगे उसके परिमाण से। परिमाण क्या होगा? 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16। तो 16 × 9 = 25 और 4 = 29। सीधा इसकी जगह 29 लिख देंगे और डॉट गुणा कर देंगे इस वाले सदिश का। किसके साथ में? ए सदिश के साथ में। ए सदिश क्या है? i कैप + 2j कैप + k कैप, ये ए सदिश है। अब गुणा कर दो i का i के साथ, j के साथ और k का k के साथ। तो 2 × 2 + 3 × 6 + 4 × 4 और बटे अंडर रूट के अंदर 29। तो 6 × 4 = 10 और 2 = 12, यानी 12/√29 अपने पास परछाई निकल के आ गई। अपने पास ए सदिश की परछाई बी सदिश की दिशा में इतनी अपने को ज्ञात होगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा है। एक बार आप देख लीजिए ध्यान से, इस प्रकार से इस परछाई ज्ञात करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा ट्रिक को। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे ऐसे वीडियो आपको IIT JEE और नीट के संदर्भ में मिलते रहें, और अपने मित्रों को भी शेयर करें जिससे उनका भी भला हो, आपका भी भला हो। तो आई होप सो यू गॉट माय पॉइंट। थैंक यू बच्चों, आगे की बातें अगले वीडियो में। जब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू।